भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत। टीम इंडिया ने इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को दी 4 विकेट से पटकनी। जी हां दोस्तों, कैसा रहा मुकाबले का हाल जानेंगे आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन अगर आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच आज खेले गए हाई वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 159 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से शान मसूद और इफ्तिकार अहमद ने 8 शतकीय पारी खेली। इसके अलावा निचले क्रम में शाहीन अफरीदी ने 16 रनों का योगदान दिया। इसके अलावा पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज 10 रनों का आंकड़ा तक नहीं छू पाया। आपको बता दें कि भारतीय टीम के सामने इस मुकाबले को जीतने के लिए 160 रनों का लक्ष्य मिला था। हालांकि 160 रनों का लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम की ओर से केएल राहुल और रोहित शर्मा की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, लेकिन भारतीय सलामी जोड़ी भी आज पूरी तरह से फेल रही। केएल राहुल जहां 4 रन बना सके तो वहीं रोहित शर्मा भी 4 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद सूर्यकुमार यादव अच्छे टेस्ट में नजर आ रहे थे, लेकिन वो 15 रन बनाकर हरीश राउत की गेंद का शिकार बने। वहीं अक्षर पटेल भी 2 रन बनाकर रन आउट हो गए। इसके बाद विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने मोर्चा संभाला और टीम इंडिया को नामुमकिन वाले मैच में जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। इन दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी हुई और भारतीय टीम जीत के करीब पहुंच गई। हालांकि आखिरी ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी और हार्दिक पांड्या मोहम्मद नवाज की पहली ही गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद कार्तिक भी महज 1 ही रन बना सके। दूसरी ओर विराट कोहली ने 8 शतकीय पारी खेली और उन्होंने 82 रनों की नाबाद पारी खेल टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत दिला दी। आपको बता दें कि भारतीय टीम ने पाकिस्तान को इस मुकाबले में 4 विकेट से मात दी है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।